मणिपुर विच औरतां नाल घिनौना ते शर्मनाक वर्तारा। भारत के दर्शकों ते पाठकों, संभव है कि तुहाडे विच बहुतियां ने मणिपुर दा ओह वीडियो नहीं वेख्या होवेगा जिस विच बहुत सारे मर्द कुछ औरतां नूं नंगा करके उहनां दे अंगां नूं दबोच रहे ने। मर्दां दी भीड़ निर्वस्त्र कर दित्तियां गईयां औरतां नूं फड़ के लै जा रही है। भीड़ दे कातल हत्थ उहनां औरतां दे जिस्म नाल खेड रहे ने। बेबस औरतां रोई जा रहीयां ने। मर्दां दी भीड़ आनंद लै रही है। शालीनता ते समूहिक नियमां दे तहत सोशल मीडिया दीयां साइटां जल्द ही इस वीडियो नूं रोक देणगियां, लेकिन जो घटना है वह तो असली है। उसका विस्थार तो यही है जो लिखा है। असी जो नहीं जानते वह यह कि इस वीडियो के बाद उन्होंने औरतों के नाल की होया होगा। भीड़ उन्होंने कितों लैके आ रही थी, कितने लैके जा रही थी, उस वीडियो विच शुरू और अंत नहीं है, थोड़ा जिहा हिस्सा है। वह वेख्या नहीं गया, लेकिन कोई भी उस वीडियो तो मुँह नहीं मोड़ सकता। अज ती चुप नहीं रह सकते। मर्दों की भीड़ नाल घिरिया उन्होंने निर्वस्त्र औरतों लई अज बोलना होगा। तुसी जिथे भी हो बोलो, बाजार गए हो तो उत्थे दुकानदार नू बोलो, रिक्शा वाले नू बोलो, ओला उबर दे चालका नू बोलो। पिता नू फोन कीता है तो उन्हां नू सब तो पहला यही दसो। प्रेमिका दा फोन आया है तो सब तो पहला यही दसो। क्लासरूम विच हो तो उत्थे खड़े होके अपने टीचर दे सामने बोलो। किसी रेस्तरां विच दोस्तां दे नाल मस्ती कर रहे हो तो उत्थे खाना रोक के इन्हां औरतां लई बोलो। बस विच हो, ट्रेन विच हो, एयरपोर्ट ते हो तो उत्थे बोलो कि मणिपुर तो एक अजिहा वीडियो वायरल होया है जिस विच भीड़ औरतां नूं नंगा करके उन्हां दे जिस्म नाल खेड रही है। यह घटना उस देश विच हुई है जो हर दिन यह झूठ दोहरांदा है कि इत्थे नारी की पूजा देवी की तरह हुंदी है, फिर अपनी ही गड्डी दे पिछे धी बचाओ लिखवाउंदा है। जेकर अज तुसी उस भीड़ दे खिलाफ नहीं बोलोगे तो उन्हां दा शरीर, उन्हां दा मन हमेशा हमेशा लई निर्वस्त्र हो जाएगा। तुहाडा नहीं बोलना उसे भीड़ विच शामिल करता है, उसे भीड़ की तरह तुहानू हैवान बनाउंदा है जो उन्हां औरतां नूं नंगा करके उन्हां दे जिस्म नाल खेड रही है। इसलिए फोन उठाओ, बोलो, लिखो और सारयां नूं दसो कि मणिपुर दीयां औरतां दे नाल अजिहा होया है। असीं इसका विरोध करदे हां, साडा सिर शर्म नाल झुकदा है। तुसीं अपनी मनुखता बचा लो, मणिपुर की घटना के खिलाफ बोलो। कोई नहीं सुन रहा है तो इकल्ले बंद कमरे विच उन्हां औरतां लई रो लो। मैं जानता हाँ कि मणिपुर दीयां उन्हां औरतां दी बेबसी तुहाडे तक नहीं पहुँचेगी क्योंकि तुसीं उन्हां दी पुकार सुनण दे लायक नहीं बचे हो, क्योंकि तुसीं जिस अखबार नूं पढ़दे हो, जिस चैनल नूं वेखदे हो, उसने तुहाडियां संवेदनावां नूं मार दिता है, तुहाडे अंदर दीयां चंगियाईयां नूं खत्म करके रख दिता है। मैनूं नहीं पता कि गोदी मीडिया विच उन्हां औरतां दी आवाज़ उठेगी जां नहीं। मैनूं नहीं पता कि प्रधानमंत्री इस दृश्य नूं वेख के दहाड़ मार के रोएगा जां नहीं। मैनू नहीं पता कि तीवी विकास मंत्री स्मृति ईरानी विखावे लई ही ठीक रोएगी जां नहीं। मगर मैनू यह पता है कि इस भीड़ नू किसने बनाया है, किस तरह की राजनीति ने बनाया है। तुहानू इस राजनीति ने हैवान बना दिता है। गोदी मीडिया ने अपने दर्शकों ते पाठकों नू आदमखोर बना दिता है। जाति, धर्म, भाषा, भूगोल के नाम उत्ते पहचान की राजनीति ने आदमी नू ही आदमखोर बना दिता है। मणिपुर दीयां औरतां नूं घेर के नच रही मर्दां दी भीड़ तुहाडे आले दुआले भी बन गई है। हाउसिंग सोसाइटी दे अंकलां तों सुचेत रहो, अपने घरां विच दिन रात जहर बीजण वाले रिश्तेदारां तों सुचेत रहो। उन्हां सारयां नूं जाके दसो कि नफरत अते पहचान दी राजनीति ने जनता नूं किस तरह दी भीड़ विच बदल दिता है। उह औरतां मणिपुर दीयां नहीं हन, उह कुकी नहीं है अते उह कुछ नहीं है, उह केवल औरतां हन। जेकर यह घटना तुहानू बेचैन नहीं करती, इस तों तुहाडियां हड्डियां विच सहरन पैदा नहीं हुंदी, तां तुसीं अपने आप नूं मोया घोषित कर दिओ। मगर आखिरी साह लैण तों पहलां उन्हां औरतां लई बोल दिओ, लिख दिओ, किसी नूं दस दिओ कि अजिहा होया है। इस देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 महीने तों शांति की अपील नहीं की, उत्थे जाके नफरत अते हिंसा नूं रोकण की अपील नहीं की। राज ने अपना फर्ज नहीं निभाया। उन्हां दे जाण जां अपील करन तों हिंसा रुक जांदी इसदी कोई गरंटी नहीं है, मगर इस चुप दा की मतलब है? की इह चुप जायज़ कही जा सकदी है? छड्डिए प्रधानमंत्री दी चुप नूं, तुसीं अपनी चुप्पी नूं तोड़ो, बोलो। रविश कुमार दी पोस्ट। मैं मलकीत सिंह, तुसीं देख रहे हो प्लस टीवी HD। धन्यवाद।